ये चेक करो भाई, क्या ही जोरदार लग रहा है अपना बाइक का भाई। ये ZX10R मिरर लगने के बाद जो इंडिकेटर बल्ब है ना भाई, इसका पावर भी ना बहुत पावरफुल है। देखा जाए तो दोनों साइड का ना पावरफुल है भाई। ये रहा कावासाकी निंजा ZX10R वाली मिरर जो है अपने बाइक के लिए। कंपेयर करो ZX10R वाला मिरर और स्टॉक मिरर का, देखो भाई अपने R15 का। बाकी ये टेनर वाले मिरर का इंडिकेटर का पावर है ना भाई, बहुत अच्छा खासा पावर है। तो भाई दोनों मिरर जो है लग गया है प्रॉपर से, और क्या ही लुक आ रहा है अपनी रेक्सा का। और ज्यादा ना हैवी हो गया गाड़ी सामने से देखा जाए तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगा और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज अपनी बाइक रेक्सा के लिए हम लोग कावासाकी निंजा ZX10R वाली मिरर मंगाए हैं, जो कि अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी और कैसा लगेगा। और सोच रहा हूँ कि फिट करूँगा, थोड़ा सा इसमें ना लोचा है क्योंकि यूनिवर्सल आता है, तो मतलब हर गाड़ी में नहीं, मतलब जो मिरर वैसा लाओ तो दिखाऊंगा आगे, तो इसमें फिट होता है कि नहीं होता है वो चीज़ सबसे बड़ा देखना है। तो प्रॉपर तो फिट नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ देख रहे हो कहाँ गया यार। ये देखो फाइल लेके आया हूँ घिसने के लिए, मतलब थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ऐसा जो भी मिरर है सब में फिट हो जाए। थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो चलो अभी ZX10R वाली मिरर का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई ये रहा कावासाकी निंजा ZX10R वाली मिरर जो है अपने बाइक के लिए, ये आ गया है। इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाता हूँ। क्वालिटी तो अच्छा ही है भाई, बहुत अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। इसमें अलग अलग वेराइटीज़ भी मिलता है, जैसे 2,500, 3,000, 5,000 तक, 10,000 तक का भी आता है। ये है इसका वेराइटी, इसका क्वालिटी कुछ ऐसा है। और दूसरा वाला भी निकालते हैं और आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, यूनिवर्सल में दिक्कत क्या होता है। भाई ये जो टेनर वाला मिरर का जो लोचा है ना भाई, क्या है बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में ये मिरर को बनाया गया है यूनिवर्सल, मतलब कोई होंडा गाड़ी में भी लग जाए या किसी में भी यूनिवर्सल बनाया गया है। तो ये R15 मेरा प्रॉपर जो है ना फिट नहीं आता आपका। ये जो होल दिख रहा है ना, ये होल जो है छोटा है। जैसे अपना मिरर देखोगे ना, ओरिजिनल जो स्टॉक है, स्टॉक मिरर देखोगे ना तो ये बहुत बड़ा है। देखोगे तो ये साइज़ में आ रहा है, एक यहाँ पे नट है और एक यहाँ पे नट है, तो ये साइज़ पे आ रहा है और ये जो है थोड़ा सा छोटा है। तो इसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो मैं भी देखा, तो मैं भी बना रहा हूँ अपने गाड़ी के लिए। इसको ना थोड़ा फैलाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा घिस करके ना यहाँ तक लाना पड़ेगा और इसको ये कोना तक, तब जा करके ये फिट होगा। तो सबसे बड़ा लफड़ा इस मिरर का यही है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। बाकी ये दूसरा मिरर का देखो क्वालिटी, मिरर का क्वालिटी की बात करें तो भाई प्राइस के हिसाब से बहुत सही है लगा मेरे को तो। और इसको जला करके दिखाता हूँ आप लोग को फिलहाल, मतलब बैटरी से। बाकी वो गाड़ी में कनेक्शन करेंगे वो भी आप लोग को दिखाऊंगा प्रॉपर। तो सबसे पहले आप लोग को बैटरी से जला करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बैटरी है, बैटरी में जलाता हूँ आप लोग को और दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसका अभी पावर जो है ना पता चल जाएगा पूरा टोटली कि कितना पावर का है ये और कितना पावर का नहीं है। बाकी ये टेनर वाले मिरर का इंडिकेटर का पावर है ना भाई, बहुत अच्छा खासा पावर है, अच्छा ही इसका रिफ्लेक्ट कर रहा है जो ऑरेंज कलर का लाइट चल रहा है। और दूसरा भी होप करता हूँ कि सही हो। तो चलो पहले देखते हैं कि कितना घिसना पड़ेगा गाड़ी में, नापते हैं इसको, पहले खोलते हैं उसके बाद जा करके घिस के इसको फिट करेंगे। तो उसके लिए अपन को चाहिए एक फाइल, बहुत सारे लोग ड्रिल चलाते हैं बट अपन ड्रिल नहीं चलाएंगे, ये फाइल से ही घिस करके इसको प्रॉपर साइज़ में लेके आते हैं। पहले एक ठुक को करते हैं फिर दूसरे को करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलो पहले चलते हैं इसको घिसना शुरू करते हैं। तो भाई अभी सीन ऐसा है कि अपना टूल बॉक्स लेके आ गए हैं, अपना जो टेनर वाली जो मिरर है ना, सॉरी स्टॉक वाली जो मिरर है ना, उसको खोलेंगे तब साइज़ को मिला करके हम लोग चेक करके उसको डालेंगे। तो इसके लिए पाना लगेगा अपन को ये वाली, सॉरी जो स्क्रू ड्राइवर है ये लगेगा और उसके पीछे टी। तो चलो इसको खोलते हैं और आप लोग को दिखाता हूँ कि साइज़ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये रबर को निकालना पड़ेगा भैया, रबर को भाई संभाल के रखना अच्छे से क्योंकि ये घूम जाएगा ना बहुत बेकार लुक आता है। छोटा लगेगा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लेके आ गए। ये रबर को यहाँ रखते हैं, छोटा छोटा कौन सा है, ये वाला लगेगा पक्का। तो चलो एक बार ट्राई किया था इसके पहले बट वीडियो नहीं बनाया था, तो इसको खोलते हैं। ये भी नहीं लगेगा भाई, कौन सा लगेगा यार, टेंशन हो गया मेरे को तो। ओ भाई साहब इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, ये लगेगा अब दिखा जाके, ये पक्का लगेगा भाई। हाँ ये लगा ना बढ़िया। चलो इसको खोलते हैं, देखना भाई आराम से संभाल के खोलना, और इसका जो भी पोजीशन में रहेगा ना रबर वगैरह सब चीज़ ना अच्छे से खोलना और निकाल के रखना भी भाई। इसको फटाफट से खोल लेते हैं अपन, एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से ये चलाना बोले से बहुत टफ है भाई, आप लोग समझो थोड़ा सा। ओ भाई इसके अंदर का देखना स्क्रू उधर गिर रहा है, एक सेकंड दिखा रहा हूँ।
ये देखो भाई, ये देखो, ये जो है ना, ये दे, ये जो दिख रहा है ये सिल्वर सिल्वर बता रहा हूँ, ये जो है ना ये प्रॉपर फिट रहना चाहिए भाई, ये चीज़ ध्यान देना आप लोग अपने मिरर का गिराना नहीं। तो अपना जो ये मिरर है, तो अपना जो ये स्टॉक मिरर है खुल करके आ गया भाई बाहर, नट निकलो भाई, अभी मिला के दिखाता हूँ भाई, कैमरा को सीधा रखता हूँ पहले, कितना डिफरेंस आया ना वो दिखाता हूँ आप लोग को। तो भाई ये देखो, ये स्टॉक मिरर है और ये जो आपका यूनिवर्सल मिरर है, ये दोनों का होल में देखो कितना डिफरेंस है भाई, ये दोनों का होल में बहुत ज़मीन आसमान का जो फ़र्क है देखा जाए तो, ये देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे होल दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा भैया हमको, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा अगर थोड़ा जल्दी जल्दी किया तो, ड्रिल मशीन रहता तो हो जाता है लेकिन ड्रिल मशीन नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता हम लोग को ये क्वालिटी कैसा है, क्या पता ड्रिल चलाते चलाते टूट गया तो, इसलिए फाइल से एकदम अच्छे से घिसेंगे, एल्युमिनियम है तो जल्दी घिसा जाएगा। तो ये है देखो, तो भाई यहाँ पे देखो कंपेयर करो ZX General मिरर और स्टॉक मिरर का, देखो भाई अपने R15 का क्या कैसा लग रहा है, लगने के बाद क्या लुक लगेगा ना। तो चलो बिना बकवास किए चलते हैं, फटाफट से इसको होल वगैरह करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो इसके लिए अपन को ये फाइल चाहिए, कहाँ क्या भाई, ये रहा फाइल, ये फाइल, ओ शिट, स्क्रैच कहीं भी नहीं आना चाहिए भैया, तो ये रहा फाइल, इसके अंदर ऐसे करके घिसना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से ये फाइल से इसको घिसते हैं। तो भाई करीबन करीबन एक मिरर को घिसने में कम से कम मेरे को आधा घंटा लगा है, और मैं देख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, देख रहे हो शेप में थोड़ा बाहर लाया गया है, आप लोग भी देख लो ये साइज़ में लेके आना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा बचेगा, ज़्यादा भी मत घिसना, ड्रिल से इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ना लास्ट पॉइंट ना छोटा हो जाएगा ना, टूटने का चांस है। तो चलो अभी हम लोग अपने बाइक पे फिट करके देखते हैं कि होल बराबर आया है कि नहीं आया, ये ऊपर का पॉइंट नीचे का थोड़ा थोड़ा सा ना 19-20 हो रहा है देखोगे तो, बाकी चलो स्क्रू डाल के देखते हैं कैसा हो रहा है इसमें, जरा स्क्रू, चलो स्क्रू लेके चलते हैं और डाल करके दिखाता हूँ भाई, वीडियो नहीं बनेगा। तो भाई स्क्रू तो प्रॉपर फिट हो गया, मेरे को ना सामने से देखने का बहुत मन कर रहा है भाई, तो स्क्रू जो है ना प्रॉपर से फिट हो गया, थोड़ा सा ये वाला जाम जा रहा है ऊपर का, कोई बात नहीं धीरे धीरे टाइट करते, ज़्यादा ज़ोर से टाइट नहीं करना है क्योंकि वो टूट ना जाए, वो अपने आप थ्रेड बना लेगा क्योंकि एल्युमिनियम है तो ना वो थ्रेड बना ही लेगा। चलो अभी ज़्यादा फिट नहीं करते टाइट से, हल्का फिट करते हैं और इधर का भी हल्का फिट करते हैं और देखते हैं सामने से लुक भाई कैसा आ रहा है। ओ भाई तगड़ा दिख रहा है भाई, इसको और उसको देखो भाई, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो कितना जमीन आसमान का फर्क आ रहा है भाई। तो भाई ये टेनर वाला मिरर और ये स्टॉक वाला मिरर का देखो फर्क भाई, कितना जमीन आसमान का फर्क आ रहा है, क्या ही लुक लग रहा है दोनों, ये लगेगा ना ये मिरर तो क्या जोरदार लगेगा, बहुत जोरदार लग रहा है। फटाफट से इसको भी खींचते हैं और फिर फिट करते हैं, मस्त लगेगा भाई, मस्त मस्त सब चीज़ चेक करेंगे अपन कि मतलब पीछे से कैसा दिख रहा है, ये क्या है भाई, कुछ स्क्रैच स्क्रैच आने से ना बेकार लगता है, कुछ ऐसा तरीका से लुक आया भाई, क्या जोरदार लग रहा है। तो भाई ऊपर से देखो कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ये टेनर वाला मिरर है और ये स्टॉक वाला मिरर है। तो चलो फटाफट से दूसरा वाला को भी घिसते क्योंकि मेरे को रहा नहीं जा रहा है, फटाफट से इसको भी घिसते हैं। तो भाई दोनों मिरर जो है प्रॉपर फिट हो गया भाई, इसको अभी स्क्रू को टाइट करना है, बाकी देखो भाई क्या ही लुक आ रहा है दोनों मिरर, अभी गाड़ी थोड़ा टेढ़ा खड़ा बोलते कुछ ऐसा दिख रहा है। तो भाई दोनों मिरर जो है लग गया है प्रॉपर से और क्या ही लुक आ रहा है अपनी रिक्शा का, वाह बहुत जोरदार लग रहा है, मतलब और ज़्यादा ना हैवी हो गया गाड़ी सामने से देखा जाए तो। चलो इसको ना फटाफट से फिट करते हैं और वायरिंग करने का सोचते हैं अंदर खोल करके, अभी देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, टाइम है अभी बहुत टाइम है, अपना वायरिंग भी हो जाएगा। चलो इसको फिट करते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा इंडिकेटर वगैरह जला करके कि कैसा लग रहा है, बाकी लुक देखो भाई क्या ही जोरदार लग रहा है अपनी रिक्शा का यार, इतना हैवी लग रहा है ये ZX10R मिरर लगने के बाद भाई, बहुत ज़ोरदार लग रहा है, मज़ा आ गया, लाइट जलने के बाद और भी जोरदार। अभी ना नॉर्मल बैटरी लगाता हूँ और उससे जला करके दिखाता हूँ आप लोगों की कैसा लुक आ रहा है। तो ये बैटरी निकाला हूँ, उसी से कनेक्शन करते हैं, पीछे तरफ लगते हैं और लुक के लिए भाई, क्योंकि मैं अपने बर्दाश्त जो होता है ना नहीं कर पा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ना कनेक्शन करके ना पहले जला करके चेक कर लेते हैं। तो ये रहा वायर, उसको बैटरी को थोड़ा इधर लाना पड़ेगा। चलो आप लोगों को कनेक्शन करके जला के दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं भाई क्या लुक आ रहा है। तो भाई मिरर का जो कनेक्शन है ना पूरा हो गया, यहाँ से आप लोगों को सामने से लुक दिखाता हूँ भाई, ये चेक करो भाई क्या ही ज़ोरदार लग रहा है अपना बाइक का भाई, ये ZX10R मिरर लगने के बाद और ये येलो येलो लाइट जल रहा है ना और ज़ोरदार लग रहा है, बहुत हैवी लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, मतलब बहुत सेक्सी लग रहा है, मज़ा आ गया भाई मेरे को देख के। ऐसे नीचे से देखेंगे तो थोड़ा पावर जो ज़्यादा लगेगा, बाकी ऊपर से भाई क्या लुक आ रहा है भाई ये ZX10R मिरर का अपनी रिक्शा पे, बहुत ज़ोरदार। इसका जो लाइट का पावर है ना वो भी बहुत अच्छा खासा है,
चलो इसको अभी प्रॉपर फिट करते हैं। मेरे को तो मतलब हज़ार जब जलेगा ना तो कैसा लगता है वो देखने का, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। क्या सुंदर भाई साहब, बहुत हैवी, बहुत प्यारा लग रहा है भाई। DRL लग जाएगा ना, क्या सेक्सी लगेगा, बहुत ज़ोरदार लगा भाई, क्या सुंदर लग रहा है भाई। इतना हैवी लग रहा है ये मिरर लगने के बाद टेनर वाला, बता नहीं सकता। सामने से देखोगे ना तब पता चलेगा भाई, मज़ा आ गया मेरे को। तो भाई चलो इसको पूरा लुक के साथ देख लिया अपन, जी भर के देखा, बैठ के देखा भाई, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। मतलब इसको निहारने का ही मन कर रहा है, बहुत ज़ोरदार लग रहा है भाई, मज़ा आ गया। जब ये फ्लैशर वगैरह साथ में काम करेगा ना और सुंदर लगेगा बहुत, मतलब लगेगा अलग से हट के, पावर अच्छा ही खासा है भाई। मतलब मेरे को उससे ज़्यादा लग रहा है एक हिसाब से, बट बहुत अच्छा लग रहा है। फटाफट से अपने मेरे को रुका, अब तो रुका जा रहा ही नहीं है। मैं सोचा था कि कल वायरिंग करूँगा, बट अभी इसी में ही आप लोगों को पूरा वायरिंग करके दिखाता हूँ, किधर से खोलना पड़ेगा, किधर से क्या करना पड़ेगा। फटाफट से गाड़ी को लगाते हैं और वायरिंग इसका खोलते हैं भाई। चलो तो भाई अगर बात करें मिरर को ऐसे फोल्ड करके रखने से कैसा दिख रहा है, तो मिरर को फोल्ड करने के बाद ना कुछ ऐसा लुक आ रहा है। मतलब अगर फोल्ड करके भी चलते हो नीचे वाला इंडिकेटर निकाल के ना, तो विजिबल होगा कि किधर जाना चाह रहा है सामने वाला बंदा। बाकी बहुत सेक्सी लग रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त, बहुत मज़ा आ गया मेरे को। तो गाड़ी का पावर मिलेगा ना तो और इसका जो फ्लैशर है ना और लाइट चलेगा, तो इसको गाड़ी में कनेक्शन करते हैं हम लोग। बाकी देखो साइड से कुछ ऐसा लुक आ रहा है, ये मिरर का साइड से लुक देखोगे तो भाई ज़ोरदार। इसका जो पावर है ना बहुत अच्छा खासा पावर है, और इस तरफ से भी इसका जो पावर है बहुत मस्त है। चलो वायरिंग करते फटाफट से, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है हर चीज़। तो अभी हम लोगों ने इंडिकेटर में वायरिंग करने के लिए ना, हम लोग अभी टेम्प्रेरी ना इसको खोल करके वायरिंग कनेक्शन दे रहे हैं। बाकी कल ना हम लोग ना इसको वायर को छुपा करके, मतलब अंदर से कहीं से छेदा दे करके ना यहाँ से पार कराएंगे, ताकि यहाँ से अंदर से छुप करके आके ना अपना अंदर ही अंदर चला जाए। बट आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ कि ना इसको खोल करके टेम्प्रेरी हम लोग ना लगा करके हैज़ार्ड वगैरह चेक करते कि कहाँ वायरिंग होगा। ये इंडिकेटर शायद इधर ही है, तो शायद ये वाला जो पैनल है ना खोलने से ये बाहर आ जाएगा, मतलब ये पैनल बाहर आने के बाद यहीं पे कनेक्शन वगैरह दिख जाएगा। तो चलो इसको दोनों तरफ का पैनल को खोलते हैं और कनेक्शन का देखते हैं काम। तो भाई जो साइड वाला पैनल है ना इंडिकेटर वाला खुल गया और मेरे को वायरिंग भी मिल गया है। ये अपना ये जो स्टॉक वाला इंडिकेटर था उसका वायर है, और ये अपन लगा दिए हैं ये टेनर वाला मिरर का। आगे से लुक देखते हैं भाई कैसा लग रहा है। भाई बहुत सही लग रहा है, जल्दी से दोनों लग जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। फटाफट से दोनों करते हैं, देखना रेड रेड माइनस जो रेड और वाइट है उस सबको देख के कनेक्शन लगाना, जहाँ से निकालोगे वहीं पे ही लगाना, ऐसा कुछ कनेक्शन करना। तो भाई जो वायरिंग था ना टोटल कंप्लीट हो गया, और देखो कुछ ऐसा लुक आ रहा है। हैज़ार्ड वगैरह जब चालू किया हो तो ऐसा ब्लिंक कर रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन नीचे वाला बंद होगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या नहीं पता, देखते हैं। बाकी बहुत ज़ोरदार लुक आ रहा है, देखा जाए तो मस्त लग रहा है। यहाँ से देखेंगे तो यहीं पे दोनों जो साइड का आपका पैनल है ना, वो दोनों पैनल को खोल करके वायरिंग किया हूँ यहाँ पे, और बाकी कल देखेंगे हम लोग अंदर से करेंगे, क्योंकि ये वाला मिरर है इसको मैं हटाऊंगा इस वजह से। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना भाई कि कैसा लुक आ रहा है, बहुत ज़ोरदार लुक आ रहा है। हैज़ार्ड का पैटर्न चेंज करता हूँ, नॉर्मल लगा देता हूँ तब समझ में आएगा। ओवरऑल लुक देखोगे तो पीछे से कुछ ऐसा आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है मिरर, इसका मिरर है ना बहुत बड़ा बड़ा मिरर है और बहुत ज़ोरदार लुक आ रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताना भाई कि कैसा लग रहा है। होप करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मैं इधर ही अभी एंड करता हूँ, और भी देखते हैं क्या क्या लगाएंगे इसके बाद में ना। मिरर लगाऊँ यहाँ पे, मिरर बोल रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे इंडिकेटर लगाऊंगा छोटा वाला, क्योंकि इसको चेंज करूँगा। जो इंडिकेटर बल्ब है ना भाई, इसका पावर भी ना बहुत पावरफुल है, देखा जाए तो दोनों साइड का ना पावरफुल है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना भाई कि ZX 10R वाला मिरर कैसा लगा। चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड पे।